ब्लैक पिंक की रोजे ने ज्वाइन किया है द बोल्ड अंडरवियर फैशन ट्रेंड। साल 2020 से रोजे लग्जरी फ्रेंच फैशन ब्रांड सेंट लॉरेंट की ब्रांड एम्बेसडर हैं और हाल ही में वो देखी गई पेरिस के फॉल विंटर कलेक्शन 2024-25 के शो में। माना जाता है कि रोजे ट्रेंड सेटर हैं और इसीलिए उन्हें सोल्ड आउट क्वीन भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो जिस भी ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए कोई भी चीज कैरी करती हैं वो तुरंत सोल्ड आउट हो जाती है। 27 फरवरी को हुए द सेंट लॉरेंट शो में रोजे द राइजिंग अंडरवियर फैशन ट्रेंड को फॉलो करती दिखी। हर फ्रंट रो लुक फॉर पेरिस फैशन वीक रोजे केप्ट विद द शेयर थीम ऑफ सेंट लॉरेंट न्यू कलेक्शन। उन्होंने ब्लैक सी थ्रू ड्रेस पहनी थी विद द ब्रेसलेट एंड हाई वेस्टेड अंडरवियर अंडरनीथ। इस ड्रेस के साथ उनकी एक्सेसरीज बिल्कुल सिंपल थी। She donned a pair of her iconic dark sunglasses to complete the look. रोजे से पहले वेटरन सिंगर ली हायोरी ऑल्सो स्पोर्टेड द अंडरवियर फैशन ट्रेंड। इसके अलावा यूजिन एंड चाय वून को भी रिसेंटली बोल्ड अंडरवियर फैशन ट्रेंड को फॉलो करते हुए देखा गया। इस फैशन शो के एंड होते ही रोजे का आफ्टर पार्टी लुक काफी अलग था। जब रोजे अपने होटल से बाहर निकली तो वो ब्लैक सिल्क एंड वेलवेट सूट में दिखी। नेटिजन्स ने रोजे की कई फोटोज भी शेयर की। उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले रोजे फ्लोई ड्रेस में थी और अब सडनली सीईओ वाला लुक। अरे भाई, उनको पैसे ही इस बात के मिलते हैं। अगर ये लोग लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो ब्रांड कैसे प्रमोट होगा। वैसे भी अब सुनने में आया है कि रोजे सोलो करियर पर फोकस करने वाली हैं। आनंद हास्य हो, मैं हूँ शिल्पी। और मैं हूँ प्रियांशा और आप सब लोग देख रहे हैं कॉफी विद कोरिया। अरे हाँ, मतलब अंडरवेयर बेल्ट दिखाने का फैशन ये तो मुझे पता है, बट ये बोल्ड अंडरवेयर ट्रेंड ये क्या है? मतलब आई डोंट नो। ये आजकल नया चला है, आजकल ये काफी ट्रेंड में है। स्पेशली फैशन वीक में ऐसी चीजें काफी देखने को मिल रही है। अगर तुमने ध्यान दिया होगा कि आजकल जनरली मॉडल्स या फिर जो एक्टर्स हैं वो ये सब चीजें ज्यादा पहनने लगते हैं और फैशन के नाम पे पता नहीं, मुझे लगता है कि कुछ भी पहना देते हैं और फिर बोलते हैं कि वो ट्रेंड है। भाई मुझे तो समझ नहीं आता ये सारी चीजें। तुमने कभी देखा है हमारे इंडियन एक्टर्स को इस तरह की ड्रेसेस पहने हुए, उर्फी को छोड़ के? प्लीज यार, आई लाइक उर्फीज फैशन सेंस, कम ऑन। प्रियांशा, मैं तुमसे कट्टी कर रही हूँ, आज के बाद तू मेरी फ्रेंड नहीं। शी इज वेरी क्रिएटिव, ऐसा मत बोलो, उर्फी इज वेरी क्रिएटिव। अच्छा, एनीवेज उर्फी की बात कर रही हो, तुम्हारी फेवरेट उर्फी, तो मैं तुम्हें अपने एक और फेवरेट नहीं है, फेवरेट नहीं। I just mean कि she has a good ड्रेसिंग सेंस, क्रिएटिव माइंड, या कम ऑन। अरे यार, एक चीज तो मैं तुम्हें बता नहीं भूल गई, तुम्हारी फेवरेट हीरोइन उर्फी से याद आया मुझे कि जो तुम्हारा फेवरेट नहीं, आई मेंट अ गुड क्रिएटिव माइंड, दैट्स इट। फेवरेट नहीं है यार, फेवरेट कोई और है। एनीवेज चलो ठीक है, अभी हम कोरियंस की बात करते हैं। तो जो तुम्हारा स्वीट होम का हीरो है सॉन्ग कैंग, उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग की डेट आ गई है। Don't tell me यार, seriously, वो भी चला जाएगा? हाँ यार, तुम्हारे BTS वाले सारे तो चले गए, वो भी चला जाएगा। वैसे इनकी एजेंसी ने एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने फॉर्मली बताया है कि वो 2nd अप्रैल को यहाँ से चला जाएगा। जी हाँ, 29 फरवरी को द एक्टर्स एजेंसी रिलीज द स्टेटमेंट जिसमें साफ साफ लिखा है कि सॉन्ग कांग की मिलिट्री एनलिस्टमेंट की डेट आ गई है और अब वो 2nd फरवरी को अपनी ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे। लेटर में ये भी लिखा है कि देयर विल बी नो ऑफिशियल इवेंट्स हेल्ड व्हेन ही एंटर्स द रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर एंड ही विल बी एनलिस्टिंग प्राइवेटली टू प्रिवेंट सेफ्टी एक्सीडेंट्स ड्यू टू कंजेशन ऑन साइट, सो वी आस्क फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। शिट यार, अब मुझे नींद कैसे आएगी? और नींद से याद आया, पिछले हफ्ते जो हमने आप सबको क्विज पूछी थी वो भी कुछ ऐसे ही वर्ड से रिलेटेड थी ना, याद है आप लोगों को या नहीं? हाँ, पिछली बार हमने आपसे पूछा था कि टू स्लीप यानी कि सोने को कोरियन में क्या कहते हैं। तो सही जवाब है, साथ बोले, बिल्कुल, झादा। मेरे साथ रहते रहते इसको अब थोड़ी थोड़ी कोरियन आने लगी। क्या आप भी हमारे साथ थोड़ा सा कोरियन सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? हमें जवाब में जरूर भेजिएगा, कमेंट सेक्शन प्लीज। अरे, तुमको वो अपना एल्केमी ऑफ सोल्स का स्टार याद है, वो लंबा लंबा सा लड़का जो बहुत ही लंबा है इंडस्ट्री में? कौन, ली जे वूक? हाँ, उसी की बात कर रही हूँ मैं। मुझे ओके लगा, इतना कुछ खास नहीं है, बिकॉज मेरा फेवरेट तो जी जांग वूक है।
अरे आधी दुनिया जी चांग वूक को प्यार करती है, ये क्या बात होती है? पर इस समय मैं जी चांग वूक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जाय वूक की बात कर रही हूँ। ओके चलो बता दो उसके बारे में। खैर उसको लेके एक जबरदस्त गॉसिप फैली हुई है, वो ही मैं तुमको बताना चाह रही थी, लेकिन तुम जी चंगू क्या उसकी भी सुन लो यार, उसके आगे भी दुनिया है ना फ्रेंड्स। ठीक है बट अनलेस इट्स जी चंगू आई एम द लीस्ट इंटरेस्टेड पर्सन, आपको तो पता ही है, आप लोगों को भी पता होगा। अब तक तो आप पता ही चल चुका होगा आप लोगों की किसकी फैन है। लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि एज पर आज करीना एंड ली जाए वोक आर डेटिंग, तो क्या बिलीव करेंगे? तुम बिलीव करोगी? लेकिन तस्वीरें कहती हैं कि दोनों फुल फ्लेज रिलेशनशिप में हैं और हाल ही में दोनों के रिश्तों को लेकर अब तो डिस्पैच ने भी कंफर्म कर दिया है। सूत्रों की माने तो दोनों ने इसी साल 14 जनवरी से एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। अपने बिजी स्केड्यूल के बाद भी दोनों एक दूसरे से मिलने का वक्त निकाल ही लेते हैं। कभी सोल में तो कभी मिलान में दोनों को कई बार साथ में देखा गया है। यही नहीं, कई बार करीना को अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ली जाए वोक के घर के पास लेट नाइट भी देखा गया है। बीच में दोनों की एज को लेकर भी लोगों ने काफी सवाल उठाए। फिर पता चला कि दोनों के बीच सिर्फ 2 साल का डिफरेंस है। करीना 23 साल की हैं और जाए वोक 25 के। हालांकि दोनों ही एजेंसीज ने अभी इस खबर की कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। कुछ लोगों ने ये भी एलिगेशंस लगाए हैं कि जाए वोक ने करीना के लिए अपनी प्रीवियस गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया। सच्चाई क्या है ये तो हमें भी नहीं पता। एजेंसीज कंफर्मेशन दे ना दे पर फोटोज कहती हैं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तभी तो लेट नाइट ही सही, एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं छोड़ते ये लोग। तुमने फोटोज देखी इन दोनों की? हाँ हाँ देखी है, अभी जो मैंने उस पे दिखाई थी। यस, और आप करीना की बात कर रही हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लैकपिंक की जो जिसो है ना, वो भी ऐसे कुछ जल्दी उससे भी डेटिंग रूमर कुछ आने वाला है, पता चलेगा हमें कुछ ना कुछ ऐसा फॉर श्योर। और सुनने में तो ये भी आया है कि जिसो और 17 का जो मिंग्यू है उनके बीच में भी कुछ चल रहा है। हाँ उनकी एक वीडियो भी 2-3 दिन पहले बहुत वायरल हुई थी, पता नहीं अब चल रहा है नहीं चल रहा है, बट मुझे लगता है कि हाँ अगर नहीं भी चल रहा होगा तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो चलने वाला है दोनों के बीच में, क्योंकि डियोर फैशन शो में जो भी देखने को मिला उसके बाद तो लगता है कि भैया दोनों का दिल है कि मानता नहीं। न्यू कपल इन द के टाउन गाइस, के टाउन ही होगा ना, बी टाउन जैसा? हाँ के टाउन ही होगा। गाइज लेट अस नो ना, आप लोग भी देखो वो जाके वीडियो, इतना ज्यादा वायरल हो रहा है, देखो और हमें बताओ, क्या पता हम ही गलत सोच रहे हो, यू नेवर नो। एक्चुअली पता है वीडियो क्यों वायरल हुई, क्योंकि वहाँ पे जो एक फैशन वीक चल रहा था उसमें एक फैन मौजूद था जिसने अपने फ़ोन से वीडियो बनाई और उसने अपने ट्विटर पे डाला, और जब ट्विटर पे डाला तो लोगों ने पहचान लिया। वो कैसे पहचाना है कि ये मिंग्यू है, वो आप हमारी स्टोरी में तुम देखना, पता है उसके कैसे पता चला? उसके कॉलर से पता चला कि ये मिंग्यू है। ऐसे कैसे पता चल गया भाई? ये देखो हाल ही में दोनों सिंगर्स को डियोर पेरिस फैशन वीक शो में देखा गया, जहां पर दोनों को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। इस शो की कई वीडियो सामने आई जिसमें जिसो लोगों से बात करती हुई दिखाई दे रही थी, वहीं मिंग्यू भी लोगों से इंटरैक्शन करते हुए दिखे। लेकिन एक और वीडियो सामने आई जिसमें जिसो किसी लड़के से हंस हंस कर बात कर रही है। लड़के का फेस तो नजर नहीं आया, पर जैसे ही द मैन टर्न्ड अराउंड, नेटिजन सॉ ग्रीन जेम्स ऑन हिज कॉलर, आइडेंटिकल टू मिंग्यू शर्ट। यानी कि खबर एकदम पक्की है। नेटिजन्स लव्ड हाउ जिसो सीम्ड सो हैप्पी एंड काम चैटिंग विद मिंग्यू। ओ गॉड यार, दोनों की केमिस्ट्री देखकर तो ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच जरूर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। बट फिर उसके एक्स बॉयफ्रेंड का क्या नाम था उसका? आनबोल। उसका क्या भाई? दोनों का तो कब से ब्रेकअप हो चुका है, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जिसु ने बो यून से जब ब्रेकअप किया तो उसने ये क्या क्या किया कि उनका उनके पास टाइम नहीं है, उनका बहुत बिजी स्केड्यूल है, पर दोनों मिल नहीं पाते। लेकिन अब मिंग्यू के साथ अगर वो इतनी ज़्यादा यू नो पहली हो रही है, कुछ कुची हो रही है, तो पता नहीं, तुम बताओ। ओके बट सुना तो मैंने ये है कि जिसो की एजेंसी डेटिंग के अगेंस्ट थी, और आपको पता है कोरिया में अगर सेलिब्रिटीज़ को खुलेआम डेटिंग करना अलाउड नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता है तो एजेंसीज़ को ये लगता है कि स्टार्स अगर डेट करेंगे तो उनके फैंस पर बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। सीरियसली? या इतना स्ट्रिक्ट है? एग्जैक्टली, और हो सकता है कि फैन फॉलोइंग पे भी फ़र्क पड़े, और ऐसे मतलब कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बेचारे स्टार्स खुलेआम डेट ही नहीं
कर पाते हैं. इनफैक्ट देयर इज दिस वीडियो, आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली, बट कोई वीडियो था जिसमें एक सिंगर ने ही ऐसा कुछ बताया था कि उन लोगों को अलाउड नहीं होता है ऐसे डेट करना जब तक उनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो विद अ सर्टेन एजेंसी, बिकॉज फिर वो उनकी फैन फॉलोइंग पे बहुत फर्क पड़ सकता है. हाँ, तो जब जिस्सो का ब्रेकअप हुआ तो भी यही खबर आई थी कि इसी वजह से ब्रेकअप हुआ. इनफैक्ट जो लीजा जो डेट कर रही है तो लीजा को भी कहा गया था कि आप ब्रेकअप कर लीजिए, बट यही वजह है कि लीजा ने शायद अपनी एजेंसी से जो कॉन्ट्रैक्ट है रिन्यू नहीं कराया, वो सोलो जा रही हैं. सैड लाइफ यार, सीरियसली बहुत सैड है. पता नहीं इतने बड़े एक स्टार्स होके इतना पैसा कमाते हैं फिर भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी पाते हैं. आई होप आपको भी समझ आ रहा है ना कि हम क्या बोल रहे हैं. हाँ. आप लोगों को भी समझ तो आ रहा है, पर इसी बात पर ये बताओ कि ये जो भी तुमने शब्द बोला कि समझ आया, यानी कि इंग्लिश में अगर इसको ट्रांसलेट करो करें तो डिड यू गेट इट को कोरियन में क्या कहते हैं? मुझे तो नहीं पता, इतना कोरियन नहीं आता है मुझे, सॉरी. नहीं पता तो मैं बताती हूँ. डिड यू गेट इट को बोलते हैं आरदोसेओ. ओके नाउ, वेल केवर्ड की न्यूज तो बहुत सही है, लेकिन सभी एक साथ हम आपको नहीं बताएंगे, पर हाँ एपिसोड में और भी गॉसिप्स कवर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे. लेकिन जाने से पहले आपके लिए हम लाए हैं आज की क्विज. क्विज क्विज टाइम गाइस, अगेन प्रियंका का फेवरेट सेगमेंट क्विज. क्विज तो आज का मेरा सवाल है कि वन यानी कि एक को कोरियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? और ऑप्शंस है हमारे पास तीन, और इस बार प्रियंका बताएगी क्योंकि थोड़ा बहुत के ड्रामा देख देख के मैडम ने थोड़ा सा तो सीख ही लिया है. तो आपके ऑप्शंस है, फर्स्ट इज हाना, सेकंड इज दुल एंड थर्ड इज सेथ, राइट? बिल्कुल. अच्छा मैं एक छोटा सा हिंट देती हूँ, जब हम रेस शुरू करते हैं तो रेफरी सबसे पहले क्या बोलता है? 1 2 3 गो. और गो पर हम भागते हैं ना? भाग जाते हैं. भागते हैं. ऐसे ही कोरियन में बोलते हैं हाना, दुल और सेथ. आई थिंक इतना हिंट काफी है, इससे ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता और मैं दे भी नहीं सकती हूँ. प्राचीन अगर इतना बोल दिया तो इसका मतलब ये बेसिक कोरियन तो अब ये समझने लगी है. तो इतनी बड़ी इतना बड़ा जो इसने हिंट दिया इसके बाद तो आपको समझ आ गया होगा कि वन को कोरियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं. फिलहाल अब वक्त है हमारे जाने का, लेकिन प्रियंका को कुछ कहना है? प्रियंका कुछ नहीं कहेगी क्योंकि वो जी जान के अभी ख्यालों में खोई हुई वेट कर रही है कि उसकी कोई नई सीरीज आए और ये मैडम ऑफिस में कहीं से थोड़ा सा टाइम निकाल के ये थोड़ा सा जी चांग की सीरीज देखने लगे. ऑफिस में टाइम निकालना तो पॉसिबल नहीं है. हाँ ये तो ये बोलेगी क्योंकि बॉसेस भी देख रहे ना ये शो, इसलिए रियलिटी नहीं बताएगी. तो चलिए गाइस बाय बोले आप. बिल्कुल. ओके देन बाय बाय. श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत.